Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Shatabdi. कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग अपने घर पे सेफ हैं और सुरक्षित हैं. आज मैं पार्ट टू वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ. ये मेरे ट्रिप का पार्ट टू है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. आपने मेरा पार्ट वन जो वीडियो है मेरे गोवा ट्रिप का वो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा. और ये मेरा पार्ट टू का जो मैं आगे ट्रैवल करने जा रही हूँ मुंबई ट्रिप का, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी. ये थोड़ा छोटा वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक पॉपअप या नोटिफिकेशन चला जाए कि मैंने नया वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, और आप मेरे सारे वीडियोज़ को एंजॉय कर पाए. So it was the 6th of March 2020. जब उस दिन हमारा ट्रेन था 1:30 बजे फ्रॉम गोवा टू मुंबई के लिए, और ये भी हमने गोवा इंडिगो से ही बुकिंग किया था. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारे सारे टिकट्स वगैरह जो है जो भी हमने बुकिंग किया था सब गोवा इंडिगो से ही बुकिंग किया था. तो हमारे पास होल डे था क्योंकि हमारा ट्रेन टाइमिंग्स जो है वो 1:30 PM को था, दोपहर के 1:30 PM को था. तो इसीलिए मुझे हमें सारा दिन मिल चुका था, और सारा दिन हमने पैकिंग्स वगैरह जो है इधर उधर फैला हुआ था सारे रूम पे वो मैंने कंप्लीट कर लिया था. धीरे धीरे टाइम था हमारे पास. ब्रेकफास्ट हमने एंजॉय किया सुबह का, क्योंकि दो तीन दिन जो जब हम गोवा में थे ब्रेकफास्ट हम एंजॉय कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि सुबह से ही टाइट शेड्यूल था, यहाँ जाना वहाँ जाना. सो ब्रेकफास्ट हम एंजॉय कर ही नहीं पाए रिजॉर्ट का, बाहर ही खाना हो गया था. तो दैट वाज द डे 6th of March को कि हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया था रिजॉर्ट में ही. उसका कुछ क्लिपिंग्स मैं आपके साथ शेयर. ये है डाइनिंग एरिया. ये एक ओपन स्पेस में डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है. डाइनिंग एरिया जो है वो पूरे रिजॉर्ट के जो बीच में है. तो टाइम हो चुका था हम रिजॉर्ट को अलविदा कहें और स्टेशन की ओर रवाना हुए. जब स्टेशन की ओर रवाना हो रहे थे रिजॉर्ट छोड़ने के बाद फॉर्मेलिटीज़ कुछ था जो कंप्लीट करना था. उस वक्त टाइम था हमारे हाथों में क्योंकि कैब बुक किया था, तो कैब को आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था. तो तब मैंने कुछ फोटोज क्लिक्स किया था क्योंकि रिजॉर्ट का एम्बियंस बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था. तो कुछ फोटोज आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ रिजॉर्ट से ही. वो रिजॉर्ट का ही एम्बियंस है, आप देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको रिजॉर्ट कैसा लगा. नाउ इट्स द टाइम कि हम कैब में बैठे और रवाना हुए टूअर्ड्स द स्टेशन. एंड स्टेशन जाते वक्त हमने दो चीज़ किए. एक, पहला काजू इंडस्ट्री. बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गोवा इज फेमस फॉर काजूस. वहाँ पे काजू जो है काजू का बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं. एक छोटा सा क्लिपिंग्स मैंने लिया था काजू जहाँ पे प्रिपरेशन होता है. एक कारखाना में गए थे हम लोग, रियल काजू लेके आए थे. ये है वो काजू इंडस्ट्री जहाँ पे हम गए थे. वैरायटी देखिए काजू का, इतना सारा वैरायटी था. और ये जो वोमन थी ये हमें समझा रही थी कि कौन से फ्लेवर्ड वाला काजू आप ले सकते हो. देन नेक्स्ट था कि हमारा मन था गोवा गए हैं ऑफकोर्स, गोवा इज फेमस फॉर चर्च, राइट.
मैंने अपने लाइफ में, सीरियसली मैं अगर कहूँ, मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे चर्च देखे हैं, एक्चुअली, लेकिन मुझे गोवा में जो चर्च दिखा ना, आपको मैं बोल नहीं सकती कि इतना क्लासी चर्च था, इतना, मतलब आप चर्च में जाओगे ना, आप खुद ही लगेगा कि आप बैठे रहो वहाँ पे, जस्ट एम्बियंस इतना शांत, एम्बियंस इतना अच्छा एम्बियंस था, और लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो हमने जितना हो सके, हमारे पास जितना टाइम था, क्योंकि टाइम शॉर्टेज था, एक होता है तो एक नहीं होता है, राइट, तो थोड़ा बहुत चर्च एक्चुअली हमारे प्लान में था, बट 2-3 दिन में बहुत सारे जगह पे जाना आना, बहुत सारे चीज़ हो गया था, तो इसीलिए चर्च का प्लानिंग हमने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली जो कैब ड्राइवर थे वो भैया हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप पहली बार आए हो गोवा में और आप चर्च नहीं देख के जा रहे हो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप को मैं ज़्यादा टाइम दे दूँ, हाँ मैं आपको 2-3 चर्चेस का व्यू आपको ज़रूर करवा सकता हूँ। सो थैंक्स टू हिम कि हम लोगों ने चर्च का व्यू लिया और वहाँ पे थोड़ा क्लिपिंग्स भी मैंने लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करी। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ट्रेन का टाइमिंग था 1:30 PM और मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी उस ट्रेन का नाम था तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, वो करमाली स्टेशन से जाता है एंड इट इज़ ए वेरी क्लासिक ट्रेन, आई मस्ट से इट इज़ ए वेरी क्लासिक ट्रेन, 8 आवर्स में आपको गोवा टू मुंबई का ड्यूरेशन कर देता है, वो ज़्यादा समय नहीं लगाता है, वो डायरेक्ट ट्रेन है, कहीं पर स्टॉपेज नहीं होता है, और एक बात, इसमें आपको IRCTC से प्रोवाइड किया जाता है फूड एंड ऑल, बहुत हाइजीनिक है, और जब आप इसमें व्यू जो है ना, आप इसमें ट्रैवल करोगे तो ये व्यू जब आपको मिलेगी, इतना सॉलिड व्यू है, आप देखोगे द व्यूज, तो आपको फुल ट्रेन AC है एंड इट्स लाइक आपको 90+ टनल्स मिलेगी जब आप व्यू, जब ट्रेन रवाना होता है ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि 8 आवर्स ड्यूरेशन लेता है यार गोवा टू मुंबई, आपको पहुंचा देगा 8 आवर्स में, स्टॉपेज नहीं है वैसा, और टनल्स 90+ टनल्स, और 90+ कैन यू इमेजिन, 90+ टनल्स आपको मिलेगी, छोटा बड़ा मिला के, आप व्यू देखोगे बाहर और जस्ट 2 मिनट बाद बार टनल आते रहेगा, छोटा बड़ा मिला के इट्स 90+ टनल, जस्ट एन ऑसम एक्सपीरियंस था। दिस ट्रेन इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है एंड आई मस्ट से अगर आप गोवा जाते हो और मुंबई का प्लानिंग करते हो, प्लीज़ आप तेजस एक्सप्रेस में ट्रेवल कीजिए, आपको लग्जरियस जर्नी आप फील करोगे उसमें, आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, इट्स लाइक ऑसम। नाउ हम मुंबई पहुंच गए थे, इट्स अबाउट हमने वहाँ पे राइड किया था, इट्स अबाउट आई थिंक 10:30 to 11 रात को, और फिर हम होटल गए, अंधेरी वेस्ट में था हमारा होटल जो हमने बुक किया था, जस्ट स्टेशन के ऑपोजिट साइड में ही था, ऑसम था वो। मॉर्निंग हम फिर सिर्फ
ताज़ा हो गए बिल्कुल, क्योंकि मुंबई विजिट था एंड मुंबई घूमना था मुझे। मेरे वहाँ पे एक ब्रदर इन लॉ रहते हैं और वो आ चुके थे मॉर्निंग को हमें रिसीव करने, हमें देखने कि चलिए चलते हैं। और हम लोग तीनों एंजॉय करने, हम तीनों निकल चुके, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर उन लोग, हम लोग तीनों हम थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ का। वो आए, थोड़ा बहुत बैठे एंड गपशप हुआ, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ था। तो लाइक एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड के मामा के लड़के हैं जो मुंबई में सेटल है, तो वो आ चुके थे एंड बहुत दिनों बाद मिलना हुआ था। तो बातचीत वगैरह करते करते, यू नो हाउ द फैमिली बिकम्स राइट, तो फैमिली में बातचीत करते करते पूरा टाइम लग गया एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। थे हाजी अली, मेरा एक्चुअली मन था मैं हाजी अली जाऊँ, मेरा बहुत मन था। तो मैं हाजी अली एक्चुअली मुझे विजिट करना था, तो फर्स्ट हम गए हाजी अली। ये है हाजी अली दरबार जो कि बाहर से हमने एक क्लिपिंग लिया। निकले टूवर्ड्स गेट ऑफ इंडिया, हम गेट ऑफ इंडिया में बहुत सारे, बहुत देर थे वहाँ पे, बहुत लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे बातें किए, बहुत वहाँ पे बैठे, थोड़ा बहुत ये वो खाया। देन जस्ट गेट ऑफ इंडिया के ऑपोजिट ही था ताज होटल। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ताज होटल का, हमेशा मैं बुक्स में पढ़ी, इमेजेस देखा, टीवी में देखा, पिक्चर्स देखा, वट एवर यू कैन से, बट मेरा फर्स्ट टाइम अपने आंखों से देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जब मैंने वो नज़ारा देखा, इट वॉज लाइक OMG, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप समझ सकते हो राइट कि फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। नो डाउट जो पहले विजिट कर चुके हैं उनको शायद ये लगेगा कि हाँ ठीक है, बट फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़, एक छोटा चीज़ भी, मेरी लाइफ में ऐसा ही है, अगर मैं एक छोटा सा चीज़ भी मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। फिर हम गए कोलाबा स्ट्रीट जो शॉपिंग पॉइंट है मुंबई का सबसे फेमस वाला, वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग वगैरह किया। आफ्टर ऑल एक लड़की हूँ तो लड़की का शॉपिंग वगैरह तो चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत शॉपिंग किया मैंने, उसके बाद हम निकले टूवर्ड्स CST। CST जाते वक्त बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग थोड़ा बहुत किया हमने, बहुत सारे चीज़ देखे, बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स का एंजॉय किया हमने। रात हो चुका था तब तक, फिर भी हम वो मूड में थे कि एंजॉय करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा फिर से फ्लाइट था फॉर गुवाहाटी। तो इसीलिए उसी दिन जस्ट वो वन डे था कि हम फुल्ली एंजॉय करना चाहते। हम गए मैरीन ड्राइव। यार मैं जब गई मैरीन ड्राइव में, इट वॉज लाइक यू कांट इमेजिन कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था। मैं बैठी वहाँ पे, लंबे दौर से बातचीत चला जो कि फैमिलीज था, तो आफ्टर ऑल कज़िन थे हमारे दो और मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग था। बहुत सारी बातें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई उस जगह पे, जो मरीन ड्राइव के वो पत्थर, ऐसा वन काइंड ऑफ ऐसे ऐसे पत्थर है ना उस जगह पे, यू कांट इमेजिन, ऑसम एक्सपीरियंस। रात हो चुका था, इट्स लगभग 12 बज चुके थे, फिर हम आए अंधेरी रेस्ट को। फिर हमने लिया डिनर लेने के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो
अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे क्योंकि वो फिर नेक्स्ट डे उनका ऑफिस था, तो इसीलिए उनको अलविदा करके फिर हम अपने होटल में, और नेक्स्ट डे थोड़ा टाइम था हमारे पास, सुबह का टाइमिंग था हमारे पास क्योंकि हमारा फ्लाइट था इट्स अबाउट आई थिंक 12 o'clock, ऐसे 12 o'clock को हमारा फ्लाइट था दोपहर का, तो इसीलिए मॉर्निंग शेड्यूल में मॉर्निंग टाइम था हमारे पास, तो हम गए सिद्धि विनायक। इसी तरह हमारा जो थर्ड ईयर का एनिवर्सरी था वो एंड हो चुका था, एंड वन वीक का ट्रिप था वो भी ख़त्म हो जा रहा था, एंड वी आर इन द मुंबई स्टेशन कि हम अपने घर की तरफ रवाना हुए, और वहाँ पे दो तीन एयरपोर्ट में मैंने दो तीन क्लिक्स ऐसे ही लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर। मेरा प्लानिंग हो मैं शुरुआत से आपके लिए शूटिंग करूँगी, क्लिपिंग्स वगैरह लूँगी, क्योंकि इस टाइम मेरा वैसा प्लानिंग नहीं था कि मैं कोई वीडियोस वगैरह क्लिक करूँ, और आप मेरे पास वैसा वीडियोस नहीं है, बस फोटोज के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया मैंने, होप कि आपको पसंद आया है पार्ट वन पार्ट टू, मैंने जो भी एंजॉय किया अपने लाइफ में मार्च महीने को वो मैंने आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, होप कि आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय।